अगला कंसेप्ट हम ले रहे हैं क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी डोमेस्टिक में क्या होता था कि इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बनता था उस सब का हम टोटल लेते थे, ठीक है। लेकिन जीडीपी में यदि तुम्हारा अमेरिका में एक घर है जो तुमने रेंट पे दिया है, वो रेंट तुमको इंडिया में मिल रहा है, वो काउंट नहीं करते थे क्योंकि वो नेशनल प्रोडक्ट का कंसेप्ट आता है। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी इंडिया का आउटपुट तो जोड़ते ही है, लेकिन फॉरेन से जो फैक्टर इनकम है तुम्हारा, हो सकता है कि दुबई से, तुमको विश्वास नहीं होगा, दुबई से हर साल 50,000 करोड़ के ऊपर रुपया इंडिया में पैसा आता है, जो खास करके साउथ इंडियंस, तुमको बहुत सारे साउथ इंडियंस, साउथ इंडिया के लोग तो दुबई में मिलेंगे। दुबई में फिलिपिनोस, चार देश के लोग ज्यादातर रहते हैं, फिलिपिनोस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। उसमें से भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के ज्यादातर ड्राइवर रहते हैं। इंडिया वाले गोल्ड का जो वहां पे मार्केट है जिसको सूप बोलते हैं, SOUK, वहां पे काम करते हैं पूरे। वहां पे इंडियंस काफी तुमको मिलेंगे और बड़े बड़े पोस्ट पे फॉरेनर दूसरे देश के देंगे। बट ये चार देश, बांग्लादेश, श्रीलंका, नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलिपिनोस, फिलीपाइंस और इंडियंस, ये चार मिलते हैं। सो इंडिया को जो 50,000 करोड़ रुपए का पैसा मिलता है, या तुम्हारे एडुकेशन के लिए तुम फॉरेन में गए पढ़ने, यहाँ से जो पैसा भेजा, इंडिया से जा रहा है तो माइनस होगा, इंडिया में आ रहा है तो प्लस होगा। सो जीडीपी और जीएनपी के फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जीएनपी में आर माइनस पी करके एक ऐड होगा। अभी अगेन जैसे मैंने बताया, हम जीएनपी को दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एट मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट। लेकिन इस साल मैं फैक्टर कॉस्ट नहीं सिखा रहा हूँ, पहले हम सिखाते थे, लेकिन सिलेबस में नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि और चार कंसेप्ट बढ़ जाएगा। तो जितना सिलेबस में है उतना ही दायरा से, एक्चुअली मेरे ये पीपीटी में 13 कंसेप्ट, 13 अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन तुमको सिर्फ चार है, तो मैं चार के दायरे में रहने वाला। सो जीएनपी एट मार्केट प्राइस तुम्हारे सामने आ रहा है, जैसे मैंने बताया, इसका फॉर्मूला जीडीपी की तरह एब्सोल्युटली सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं, फॉर्मूला पूरा का पूरा जीडीपी की तरह है, सिर्फ एक प्लस आर माइनस पी जुड़ेगा। सो तुम देखो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी सेम था, आई सेम था, जी सेम था, एक्स माइनस एम सेम था, और ये जो प्लस आर माइनस पी, सिर्फ तुमको ये आर माइनस पी जुड़ा है, बाकी तो सब कुछ सेम है। सो वेयर, अभी मैं इसमें जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब इसमें फॉरेन से जो पैसा आएगा और जो जाएगा वो भी काउंट करते हैं। एमपी हमने पिछले इसमें भी देखा था, एमपी क्या है, मार्केट प्राइस। अगेन तुम्हारे यूनिवर्सिटी के बुक में एमपी लिखा नहीं है, सो इट इज अंडरस्टूड कि वो एमपी है, ठीक है ना। तुमने एमपी नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट का भी कंसेप्ट है, इसलिए लिखना पड़ता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। सो ये हो गया एट मार्केट प्राइस। उसके बाद सी स्टैंड फॉर व्हाट, कंजम्पशन। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ फर्म्स। फिर नेक्स्ट इज आई, विच इज द इन्वेस्टमेंट, नहीं, प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ, नॉट फर्म्स, ऑफ हाउस होल्ड बोलना चाहिए। आई इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म्स आएगा, और जी मतलब गवर्नमेंट जो खर्चा करता है, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बोलेंगे, वो आएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम जो है, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, ये तुम्हारा। और तुमको सिर्फ लास्ट का ख्याल रखना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है कि तुम, जैसे मैंने बताया, तुम्हारा एक जमीन है, तुमको रेंट मिल रहा है श्रीलंका से, तुम फॉरेन में जॉब करते हो बट इंडिया में पैसा रिसीव करते हो, तुमने फॉरेन में, फॉरेन जैसे डिबेंचर कंपनी इश्यू करती है, तो फॉरेन की एक कंपनी है जिसने इश्यू किया है, तुमने खरीदा है, तो तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर बोलते ना, इंडिया से भी तो जा सकता है, हो सकता है इंडिया भी
अमेरिका का या दुबई के लोग का इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया डिविडेंड बाहर दे रहा है। सो टेक्निकली कंफ्यूज मत करना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये फैक्टर इनकम की बात कर रहा है, ये गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा है। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज का रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट इंडिया में आ रहा है तो प्लस करो, और ठीक है ये रेवेन्यू है, एक पी मतलब पेमेंट, इंडिया से पेमेंट बाहर जा रहा है तो माइनस करो, किसका फैक्टर इनकम का। तो सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस ए प्लस आर माइनस पी, सबको समझ में आया ये, यस और नो? सबको समझ में आया ये, यस और नो? नाउ लास्ट रिवीजन जीएनपी का, यस व्हाट सर। इज, यस वेरी गुड, व्हाट इज जीएनपी? इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री व्हिच एंड वेयर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड, व्हिच इज कॉल्ड एज आर रिसीट, एंड फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट अब्रॉड इज सब्ट्रैक्टेड एज अ पेमेंट विच द मनी ऑफ विच गोज आउटसाइड इंडिया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीएनपी एट मार्केट प्राइस, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आर माइनस पी, करेक्ट?